सो एसेंशियली एट द एंड ऑफ द डे 29-4 समझा जाएगा, लीड 29 की है और पाकिस्तान हैव काइंड ऑफ क्लॉड देयर वे बैक इन यासिर शाह की वजह से. एंड में हमें पता होता है कि हमेशा आखिरी सेशन में बहुत कुछ होता है और यही हमें नज़र आया कि आखिरी सेशन में टर्न भी था, स्पिन भी था, दो विकटें बैक टू बैक गिर गई. एंड देन साउथ अफ्रीका की पार्टनरशिप भी थी, वैंडोसान एंड देन ऑल्सो एडन माक्रम जिस तरह से वो खेले. एक पॉइंट पर लग रहा था कि पिच ईजी हो गई है, बट देन पाकिस्तान ने बड़ी फाइट दिखाई एंड नज़र आया कि यू नो एक स्पिरिटेड एफर्ट उनकी तरफ से नज़र आया. लेकिन क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को भी, ऑब्वियसली माक्रम रियली नीडेड रन्स द वे ही प्लेड, वाज अ प्रॉपर टेस्ट मैच ग्राइंड. उसके बाद उन्होंने ड्राइव्स मारी, ही वेंट फॉर इट इन द एंड. सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा दिन था. शुरुआत साउथ अफ्रीका की अच्छी हुई, पहले तो लीड पाकिस्तान ने स्ट्रेच की नुमान अली एंड यासिर शाह को, क्रेडिट जाता है उसके लिए. लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेला, बट एंड में वो जो दो विकेट्स मिल गई है ना उसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान इज राइट बैक इन द गेम. सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट टेस्ट मैच सो फार. मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि कितनी लीड जो है वो पाकिस्तान के लिए या कितना टोटल पाकिस्तान चेज कर सकता है इस विकेट पे फोर्थ इनिंग्स.